पार्सल सही सलामत मिल गया ना? तू सोच रहा होगा तूने मुझसे आखिर पंगा क्यों लिया। आज बहुत दिन बाद मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। कल से मैं वही पुराना विनाश राव बन जाऊंगा। तुझसे बात करने का टाइम नहीं होगा मेरे पास। 9 से 9 बजे तक एकदम बिजी। कोई भी नहीं बच पाएगा विनाश राव से। हेलो। अब तक सो रहा है कुत्ते? मेरे दोस्त भोला को मारने के बाद तू चैन से कैसे सो सकता है? तू दिन में 9 से 9 बिजी रहना चाहता था ना? तेरा पहला प्रोग्राम बताऊं? तेरी ज्वेलरी शॉप में आग लगी है, इससे पहले कि वो जल के राख हो जाए जाके उससे बचा। भाई पता नहीं आग कैसे लग गई। भाई सोना चांदी पिघल के मिट्टी में मिल गए ना, वहां खड़े खड़े वक्त बर्बाद मत कर। अपने अगले प्रोग्राम में जा। चिटफंड सिक्योरिटी। पैसे हवा में पूर हो गए, अब जा अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी। पूरा ढह गया या फिर थोड़ा बाकी बचा है? अच्छा है, हराम के पैसे से बनाई गई बिल्डिंग गई। वैसे अभी तेरा 9 से 9 का प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। अब बारी है तेरे आखिरी प्रोग्राम की। मेरा दोस्त नहीं रहा वैसे ही तेरा बेटा भी आज नहीं बचेगा। बचा सकता है तो बचा ले। स्वीटी कैच। कहिए। उस कमीने ने तबाही मचा रखी है। किसने? उसी रवि ने। वो कह रहा था कि अब तेरी जान लेगा, तो जहां भी है जल्दी घर आ जा। गाड़ी निकल। हे जाओ तुम लोग। क्या हो गया भाई, आप पूल में कितना मजा कर रहे थे? उस कमीने की वजह से मेरे दिमाग का दही हो गया है। बाबा ने फोन करके मुझे जल्दी घर आने के लिए कहा, चल जल्दी। भाई आप स्विमिंग बहुत मस्त करते हैं। हे स्विमिंग कौन कर रहा था बे? मैं तो लड़कियों के साथ ऐश कर रहा था। वैसे भी स्विमिंग आती किसे है? भाई सच में स्विमिंग नहीं आती? अबे बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? चल गाड़ी चला। अगर मैं तुझे समंदर में फेंक दूं तो? प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा। क्यों विनाश राव? तूने तेरे बेटे को गुंडागर्दी सिखाई, भाईगिरी सिखाई, मारामारी सिखाई, लेकिन तू उसे स्विमिंग सिखाना भूल गया। अच्छा नहीं किया। इसलिए बेचारा खुद सीख रहा है ब्रिज के नीचे गहरे पानी में अकेला। अब क्रेन लेके आ और उसे गाड़ी समेत बाहर निकाल। देखा उसने क्या हल किया? चला था उसने? किसने?
उसी रवि ने। उसने थोड़ा ही कुछ किया है, ड्रंक एंड ड्राइव, ज्यादा पीनी थी इसलिए गाड़ी सीधे ब्रिज से टकराई और वहां से नीचे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही आया है। मुझे लगता है तूने पार्टी बदल ली है। गलत, अब मैंने सच का रास्ता चुना है, अब मैं एक असली पुलिस वाला बन गया हूँ। जानता है किससे बात कर रहा है? किससे? तुम कोई मिनिस्टर हो जिसे मैं सैल्यूट करूं और आंखें झुकाकर बात करूं? तुम तो एक चाय वाले हो। डीसीपी कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अब वो कल ही आएंगे, आज तो मैं ही यहाँ पर सब कुछ हूँ। यहाँ एक गुंडा मरा है, फालतू की भीड़ मत करो, 5 लोगों को रहने दो, बाकियों को दफा करो यहाँ से। भाई सर, तुम कोई मिनिस्टर हो जिसे मैं सैल्यूट करूं और आंखें झुकाकर बात करूं? सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दो। स्टॉप 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 स्टॉप। सॉरी सर। विनाश राव, यहाँ क्यों बैठे हो? चलो अंदर चलो। क्रियाकर्म करके आ रहा हूँ, अंदर नहीं आ सकता, परंपरा है। मैं जानता हूँ विनाश राव, मैं एक मीटिंग में। आप क्यों नहीं आए, आपको टाइम मिला या नहीं, ये सब छोड़ो, मुझे मतलब नहीं। आप कई बार मुझे मिनिस्टर बनने के लिए कहते थे, लगता है अब वक्त आ गया। अचानक मिनिस्टर बनने का ख्याल? हाँ, ऐसे ही अचानक। अचानक जिंदगी में एक आदमी आया जिसने मुझे पूरी तरह से तबाह कर दिया। लोगों के मन से मेरा विनाश राव का डर चला गया। उसने मेरे बेटे को मार दिया, इसलिए अचानक ही मैंने ये फैसला लिया। अगर तुम कहो तो मैं। आपको अपने आप कुछ नहीं करना है, मैं जो बोलता हूँ बस वो करो। मुझे मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए। मिनिस्टर की पोस्ट? मुझे फ्री में कुछ नहीं चाहिए। ये पैसे देखे, कम पड़े तो बोल देना, जितने कहोगे ले आऊंगा, पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, बस मिनिस्टर बना दो, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने प्रेस को भी ये सब बता दिया है कि विनाश राव जल्द ही मिनिस्टर बनेगा, वरना तुम्हारी सरकार गिर जाएगी, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ए, चलो टेलर के पास। आज के मुख्य समाचार। कैबिनेट में कुछ नए मंत्रियों को नियुक्त किया जा रहा है, मशहूर बिजनेसमैन विनाश राव को मिनिस्टर बनाया जा रहा है। अरे रवि, विनाश राव मिनिस्टर बनने जा रहा है, हम सब बर्बाद हो जाएंगे अगर वो मिनिस्टर बन गया तो। वो एक नंबर का गुंडा है। बचा लो, अगर वो मिनिस्टर बन गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कल जब मैं शपथ लूंगा तो रवि जिंदा नहीं बचना चाहिए। लेकिन सर। सिर्फ वही नहीं, उससे जुड़े सभी लोग। लेकिन सर, ये मुमकिन नहीं है सर, बिना किसी वजह के हम ऐसा नहीं करते। आइए सर। बाहर ब्लास्ट हो गया, कंट्रोल रूम में फोन करके और पुलिस फोर्स मंगाओ। जल्दी से जल्दी हालत काबू में करो। तुम सोच रहे होगे मैं क्यों हंस रहा हूँ। ये जो यहाँ पर बॉम्ब फटा वो मैंने लगवाया था। तुम्हें वजह चाहिए थी ना, बाहर देखो तैयार है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी अभी यहाँ पर विनाश राव जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। मिनिस्टर बनने से पहले ही उन पर जानलेवा हमला। ये मुझे मारने की साजिश क्या वजह हो सकती है? ये सब रवि का प्लान था, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, मेरे आदमी सब संभाल लेंगे, तुम बस देखते रहना। मुझे कहां ले जा रहे हो? बताता हूं। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो बता। हां बोल सलीम। हे रवि, विनाश राव के लोगों ने हमारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा है, बच्चे बूढ़े औरतें किसी को नहीं छोड़ा। जानना चाहते हो तुम्हें कहां ले जा रहा हूं? उन सब से बहुत दूर ले जा रहा हूं। जल्दी एक गाड़ी हॉस्पिटल ले। रवि भाई, छोटे बच्चे बूढ़े किसी को नहीं छोड़ा कमीनों ने। ये
रवि बेटा, उन लोगों ने हम सबका क्या हाल कर दिया है। विनाश राव को छोड़ना मत बेटा, उसके लोगों ने मेरा पैर काट दिया। मेरा बेटा, इस छोटे से बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ा था, इसे तब तक मारते गए जब तक ये बेहोश नहीं हो गया, और ये पुलिस वाले वहाँ पे खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। हम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, उनके पास बहुत पावर है, कल वो मिनिस्टर बन जाएगा। वो कोई भी हाल में मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए भैया, नहीं बनना चाहिए, वो कभी नहीं बनना चाहिए। अगर वो बन गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम के साथ है भाई, हम के साथ है। छोड़ो मुझे, क्या चाहते हो तुम, इन सबको ऐसे ही छोड़ के कहीं जाके छिप जाऊं? उसे रोको मत, आज कुछ नहीं किया तो विनाश राव को रोकना नामुमकिन होगा। अगर वो मिनिस्टर बन गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये युद्ध है, इसे शुरू करना आसान है लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। जाओ, जाओ, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से जाओ। विनाश राव जी आगे क्या? जी आते ही होंगे। अरे विनाश राव जी अभी तक नहीं आए। अरे भाई सब्र रखो, आते ही होंगे। कोई भी शुभ काम करने से पहले वो चाय की दुकान पे जाते हैं। भाई सब इंतजार कर रहे हैं। तूने तो कहा था तूने शहर छान मारा, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिला। डर के मारे कहीं छिप गया है, लेकिन मैंने कहा था ये आएगा। देखो आ गया, शिकारी शिकार बनकर आ गया। ऑटो वाला बन के आया, तेरी सारी गाड़ियां और चमचे आखिर कहां गए? हाँ, ओह हॉस्पिटल में है सब। और तूने जो बॉम्ब लगाया था वो सबको निडर बना के बहुत ही अच्छा काम किया है तूने। मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं सोचता था क्या करूं तेरे साथ। तूने बहुत नुकसान किया है मेरा, मेरी ज्वेलरी शॉप गई, चिट फंड गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी गई, पर कोई बात नहीं, इन सब का कोई गम नहीं। पर तूने मेरे बेटे छेला को मारा, ये मैं नहीं भूलूंगा। एक चीज मुझे बहुत देर से समझ में आई, भय से बड़ी भी कोई चीज है कुर्सी, इसलिए मैंने पैसे देके उसे भी खरीद लिया है। पावर मिल गई तो भाई वापस आ जाएगा, है ना? आज तू मेरे सामने खड़ा है, एक बार पहले भी तू बिल्कुल ऐसे ही खड़ा था, तब मैंने तेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं ये गलती नहीं करूंगा। शुभ काम से पहले लाश दिखे तो उसे गुड लक माना जाता है। मैं तो आज मिनिस्टर बनने वाला हूं तो तेरी लाश देख के जाऊंगा। Oh!
अगर कोई चाय बेचने वाला गुंडा बन जाए तो उससे शहर का माहौल खराब होता है, लेकिन अगर वो मिनिस्टर बन जाए सारा देश अंधेरे में चला जाता है। तू मिनिस्टर बनेगा, तेरा चमचा एमएलए, कोई और गुंडा कॉर्पोरेटर, हर जगह बस गुंडा ही गुंडा राज होगा, पूरे देश की वाट लग जाएगी। ऊपर वाला आज भी है जो तुझ जैसों का वध करने किसी को भेज देता है, आज तेरा वध होगा और वो वध में भीड़ को काबू में करो, अरेस्ट करो इसे, गाड़ी में बैठाओ जल्दी। रुको। तूने अपना पूरा जोर लगा लिया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, पता नहीं आज के बाद हम मिल पाएंगे या नहीं, इसलिए जाते जाते अलविदा कहना चाहता हूँ। विनाश राव को मारने की कोशिश की है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। विनाश राव गाड़ी के पास खड़ा है, जैसे ही सायरन बजेगा वो ठीक आपके सामने होगा। अब वो ठीक आपके सामने है। अब किसी को भी मेरा भय नहीं रहेगा। आज मेरा बेटा अगर जिंदा होता तो मैं उसे पुलिस ऑफिसर जरूर बनाता। तुम्हें मैं अपना बेटा मानता हूं, इसलिए दिल से कह रहा हूं पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लो। नहीं सर। बेटा इतना अच्छा मौका हाथ से क्यों जाने दे रहे हो? हर एक शख्स के अंदर एक पुलिस वाला जिंदा होना चाहिए सर, इससे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में मदद मिलेगी। कोई भी अत्याचार के सामने मुंह मोड़ के खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अत्याचार होने बंद हो जाएंगे, हाँ लेकिन कम जरूर हो जाएंगे। मेरे अंदर एक पुलिस वाला है, बहुत पहले से ही मौजूद था। जब भी मेरे सामने कुछ गलत होगा ये आवाज उठाएगा। ये हौसला सब में होना चाहिए, और जिस दिन ऐसा हो गया हम सब पुलिस वाले बन जाएंगे। बाय सर। सर प्लीज आप मुझे सैल्यूट मत कीजिए।